सामान सब अभी तो बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ 70 और ये सब जितने भी हैं वो सब हटा, जो उन्होंने बोला था वो सब चीज़ उन्होंने किया, अयोध्या में बना सब चीज़ तो किए ही ना। इसी का है, बहुत सारा पोस्ट खाली है, मैं भी देखता हूँ अपने एरिया में, जैसे डेंटिस्ट का पोस्ट खाली, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, शायद वहाँ निकल। लोकसभा चुनाव को लेकर आज TV9 की टीम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची हुई है और यहां पर हम जनता से जानेंगे, खासतौर पर यात्रियों से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर जो कुली मौजूद रहते हैं, हम उनसे भी समझ लेते हैं कि किस तरीके के हालात रहते हैं। दादा, कब से काम कर रहे हैं आप? 50 साल हो गए। 50 साल हो गया कुली का ही काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार कौन सी ठीक काम करती है, बीजेपी या कांग्रेस? किसको बोलेंगे दादा, हैं किसको बोलेंगे बताइए। फिर भी कोई कुछ तो अच्छा काम किसी सरकार में हुआ होगा जो आप जानते होंगे। हमको तो कांग्रेस का अच्छा लगा। हाँ, किस तरीके, तुलना करिए कि क्या बेहतर था उससे? उसके टाइम में सस्ता था सामान सब। हाँ, अभी तो बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने वाली पार्टी है बीजेपी। देश के लिए कौन सी पार्टी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, मोदी ठीक है? तो राहुल गांधी ठीक लगा है। राहुल गांधी ठीक लगते, कौन सी बात उनकी सही? हम तो शुरू से ही कांग्रेस वाले हैं। क्या सही लगती है राहुल गांधी की, कौन सी बात ठीक लगती है? सभी बात ठीक लगता था, सभी बात ठीक लगती है। ठीक है, तो कांग्रेस के लोगों को भी समर्थन करने वाले जो पुराने लोग हैं उनके लिए कांग्रेस बेहतर काम करती रही है, कुछ और आम जनता है उनसे भी यहाँ पर समझेंगे। दादा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ सतना। कहाँ से हैं आप? मैं सतना से हूँ, यहीं रायपुर में रहता हूँ। रायपुर में ही रहते हैं। हाँ, ये बताइए कि ये देश के लिए कौन सी पार्टी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, मोदी ठीक है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए ऐसा है, हाँ, मेरा कहना ये है कि जो पार्टी देश के लिए अच्छा काम करे, हाँ, वो पार्टी है। हाँ, बाकी कोई पार्टी नहीं। यदि पार्टी ने काम कर रही है देश के लिए थोड़ा ठीक ठाक, मतलब कि देश के विकास के लिए, जनता के लिए, जनता इतनी परेशान हो रही है, तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता का वो है, जनता किसी न किसी वजह से परेशान हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जनता अपने वजह से परेशान हो रही है, कोई ना कोई वजह तो होगी हर जगह। तो क्या वजह, आपको कौन सी वजह लगती है? हमें तो देखिए अब कई वजह लग रही है, जैसे सरकार बोल तो देती है कि ये देंगे, लाडली बहना योजना चलाएंगे तो इतना ये मिलेगा, रोड बनवाएंगे, ये करेंगे सब। बाकी सरकार जो कह देती है फिर बाद में करती नहीं है, उसके लिए ये है कि भैया आप जो बोलो वो करवाओ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब देखिए स्टेशन में देख लीजिए, सामने स्टेशन है, स्टेशन में लंबी कतारें देख लीजिए कि इस स्टेशन में, रायपुर के स्टेशन में, रायपुर की कितनी बड़ी कतारें लग रही है। ये सब क्या है, परेशानी नहीं है तो क्या है? तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनके सरकार को देखना चाहिए। नहीं, परेशानी किस बात की है, स्टेशन पे आएंगे, टिकट लेंगे तो लाइन तो लगानी पड़ेगी। लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन बताइए इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद 2 काउंटर चलेगा, हाँ, तो ये कतारें बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, ये कतारें तो बढ़ेगी ना, हाँ, भाई जनसंख्या तो बहुत है, हाँ, भाई रायपुर बड़ा स्टेशन है, हाँ, तो उसके हिसाब से जनसंख्या भी आएगा। अब उसके हिसाब से जनसंख्या आएगा तो काउंटर बड़ा होना चाहिए, छोटा काउंटर से तो काम चलेगा नहीं। अब ये 1-2 काउंटर यहाँ पे मुश्किल से चल रहे हैं और लंबी लाइनें लग रही है, इतनी भीड़ भाड़, गर्मी का समय है वैसे भी, तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं, तो ये सारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये अभी जो मोदी सरकार केंद्र में चल रही है वो बहुत ज़्यादा रेलवे और अन्य व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैनेज, हाँ वही समस्या हो गई ना कि अब मैनेज, भाई जनसंख्या के लिए यदि परेशानी हो रही है और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, छोटी मोटी देखिए परेशानी सबके साथ होता है, छोटी मोटी परेशानी के लिए सरकार भी इतना वो नहीं करेगी, लेकिन जो बड़ी समस्या है उसको ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार है अभी तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, और यदि कोई पार्टी दूसरी आ रही है तो उनको भी ये सोच के रहना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी समस्याएं नहीं पैदा होनी चाहिए। लगता है आपको दूसरी पार्टी आएगी कोई? अभी तो उसके हिसाब से, काम के हिसाब से उनके, और ये नहीं लग रहा कि दूसरी पार्टी आएगी, बट हो सकता है कि आ भी सकती है, भरोसा नहीं है। यानी राहुल गांधी या कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस भी आ सकती है, कोई ये नहीं है कि मतलब बीजेपी पार्टी ही आएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी आएगी, ये उनका कहना है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आम जनता से उनकी परेशानियां पूछ लेते हैं। दादा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं सर आप? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं, है कहाँ से? रायपुर से। रायपुर से ही है। ये सरकारें ठीक काम कर रही, बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है? कुछ हुआ नहीं, बट हाँ मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर मैं लोकल नेता की अगर बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट मिस्टर ब्रिजमोहन अग्रवाल, बेस्ट, 8 बार इलेक्शन जीतना और हर एक पब्लिक के बारे में सोचना,
ही नेवर सीज हुज पुअर हुज रिच, सबके लिए इक्विवेलेंट वो करना, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल इज द बेस्ट मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, देश के लिए चुना जाता है, देश के लिए कौन सा? देश के लिए अगर बोलूँ तो ये उनका पहली बार है, अब तक के विधानसभा में जब उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो वहाँ पर भी अच्छा होगा। सी व्हाट हैपेंड, जब नरेंद्र मोदी जी भी तीन बार जब सीएम थे, फाइनली उनको भी तो एस्केलेट करके फिर उनके जब प्रमोशन वो करके फिर प्रमोट करके उनको पीएम किए ना, हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग। आपकी जो 370 और ये सब जितने भी हैं वो सब हटा, जो उन्होंने बोला था वो सब चीज़ उन्होंने किया, अयोध्या में बना, सब चीज़ तो किए ही ना, सो वाई नॉट हेम। जो आठ बार सक्सेसफुल है जो आदमी, अब वो अगर लोकसभा में आएंगे डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नहीं बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ना तो देश की जीडीपी बेहतर हुई है, ना ही महंगाई घटी है। महंगाई और जीडीपी मैं इतना जानता हूँ कि हमारे लोकल बिजनेस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो हम लोगों ने देख लिया, पिछले पाँच साल में हमारा बिजनेस कैसे ड्रॉप डाउन हुआ था। ओके, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जात पात वाली मामला नहीं है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, बट वी आर सपोर्टिंग ब्रिजमोहन अग्रवाल। यानी आप बीजेपी को सपोर्ट? हाँ जी, बीजेपी नहीं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मेन है जिसमें, यस बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही इज एन आइडियल पर्सन, वो सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति है। ये तो आपने एक पर्सन की बात बता दी, मैं आपसे फिर से, देश के लिए कौन बेहतर? राहुल गांधी बेहतर बातचीत करते हैं, उन पर भरोसा? उतना ज़्यादा मेरा ना डीप पॉलिटिक्स में वो है नहीं, क्योंकि फिर भी किसी को तो आप लेकर चलते होंगे कि इस पार्टी के पास हम जाएंगे इसकी सर। हम किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करें, एट द एंड यू आर लिविंग इन रायपुर, आपको ये देखना है कि आपके लिए जो सबसे सामने में कौन है। तो अगर हमारे लिए सबसे सामने में अगर मैं बात करूं तो मैंने, क्योंकि देखिए वो जो होएगा वो सेंट्रल से होएगा, सेंट्रल में पहले दूसरे स्टेट्स के लिए होता है कि पहले छत्तीसगढ़ के लिए होता है, तो मुझे जहां पर रहना है वहां पर पहले किसको मिल रहा है? एज अ पीएम राहुल गांधी या मोदी? कुछ समझ में नहीं आता सेंट्रल का, क्योंकि हम लोग अभी स्टेट से बाहर कभी वो किए नहीं है। ठीक है, चलिए आप, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आखिरकार लोकल पॉलिटिशियन क्यों, जो है सामने जो जिन जो है ना आपके, आप उनको पहले देखिए और उनसे बेस्ट आज तक के कोई। ठीक है, लेकिन आप ट्रेन पे सफर करने वाले हैं, सब कुछ सही चल रहा है, रेलवे टाइमिंग सिस्टम? बट राजधानी से मैं हम दिल्ली जा रहे हैं तो राजधानी में जा रहे हैं, तो उसमें तो वैसे ही ट्रेन लेट लतीफ़ी नहीं है, चार पाँच मिनट तो स्टॉपेज में होता है, वो कवर भी हो जाता है और क्या, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। दादा कहाँ जा रहे हैं सर आप? सर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे टिटलागढ़। टिटलागढ़ कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं? देश में मोदी सरकार ठीक काम कर रही है? क्या बोलोगे? अच्छा, ट्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा है, रेलवे ठीक सही चल रही है, ट्रेनें लेट चल रही हैं या ठीक चल रही हैं? लेट चल रही है। लेट चल रही है, परेशानी है? परेशानी है। क्या दूर होनी चाहिए आपको लगता है, कौन कौन सी परेशानियाँ दूर करनी चाहिए सरकार? टाइम टेबल में नहीं आ रहा है बहुत। और फैसिलिटीज? कुछ फैसिलिटी नहीं है। सब फैसिलिटीज भी नहीं है। ट्रेनों को स्मार्ट करने की, रेलवे को स्मार्ट करने की बात चल रही है, लेकिन जब उनको स्मार्ट करने की बारी आती है तब वो स्मार्ट नहीं हो पाता है। ये इसलिए कहना है ये तमाम लोगों का, हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार दादा रेल में सफ़र करते हैं आप? जी। ठीक चल रही है ट्रेनें? ट्रेन तो लेट चल रही है अभी। लेट चल रही है? हाँ लेट चल रही है, और कई ट्रेन रद्द भी है। रद्द भी हो गई, सरकार सही तरीके से रेलवे को चला नहीं पा रही। क्यों बंद है इसकी तो जानकारी नहीं है हमें। हाँ। लेकिन ये तो लंबे टाइम से आप सुनते आ रहे होंगे। जी। तो ये बीजेपी के समय ही ऐसा है या कांग्रेस के समय भी ऐसा था? बेहतर कौन काम कर रही है पार्टी? अब ये राजनीति में मेरे को फिर भी जानकारी नहीं है। आपकी सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा कौन बेहतर काम करता है? आप तो लंबे समय से देखिए। किस मामले में बोल रहे हैं? रोजगार के मामले में, सुविधाओं के मामले में, सरकारी योजनाओं? लेट चल रही इतना जान रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ में अपन कमेंट नहीं कर सकते, बाकी कुछ नहीं कह सकते। जी सर, आपसे ही बात करना चाहूँगा, आखिर पॉलिटिक्स अगर हम देखें, लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों पर सरकारों को या नेताओं को ध्यान देना चाहिए? पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, परेशानियों के बारे में बता दीजिए, कौन सी ऐसी परेशानियाँ जिनको सरकारों को दूर करना चाहिए? आजकल जैसे आप नौकरी का विषय है, बहुत सारे बेरोजगार है, उसके विषय में कुछ सोचना चाहिए। जैसे बड़ा बड़ा होते जा रहा है, गरीब तो गरीब होते ही जा रहा है। जैसे कल मेरे को दो ट्रेन कैंसिल हो गई, मेरे को आज जाना पड़ रहा है। ओके, नुकसान हो गया आपका? हाँ, आज का नुकसान हो गया, कल जा नहीं पाया मैं, इसको आज का नुकसान हो गया। आज नुकसान की वजह तो सरकारें ही हैं। अब वो तो बोल सकते हैं, लेकिन अब सब तो वैसे ही चल रहा है। नहीं, उसके अलावा और किसी योजना का लाभ आपको मिलता है उसके या आपकी फैमिली को? अलावा योजना तो सब कुछ तो अपने को ही करना पड़ता है, जो भी है, जो भी अपने को ही। हाँ, तो ये मोदी और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा सर। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन बोलता है, राहुल गांधी या मोदी?
बेहतर क्या है, जो भी है जो नेता लोग हैं वो बोल, उनका काम है बोलना, भाषण देना, लेकिन देश की पीएम प्रधानमंत्री चुनना हमारा काम है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। पार्टी को? मैं कुछ नहीं बोलता इसके बारे में, नो कमेंट। आपसे जानना चाहूँगा दादा, आप बता दीजिए। पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाएंगे वैसे अपन, है ना। अब बोलने के मामले में बोले तो मोदी जी अच्छा बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं अच्छा है? राहुल गांधी से तो ठीक ही बोल लेते हैं। राहुल गांधी क्या नहीं बोल पाते? नहीं बोल लेते हैं, लेकिन तब भी उनका थोड़ा सा उनके हिसाब में एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका ज़्यादा अच्छा है मोदी जी का। उनका ज़्यादा अच्छा जी हाँ, बस सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलने के मामले में बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो तमाम बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, ये सही है क्या? जी अब मैं तो खुद जॉब में हूँ, संविदा जॉब में, है ना, तो बाकी अब तो जॉब का पता नहीं, अब जो जितना पढ़ पाएगा उतना पाएगा। अब वैकेंसी का है, बहुत सारा पोस्ट खाली है, मैं भी देखता हूँ अपने एरिया में, जैसे डेंटिस्ट का पोस्ट खाली, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, शायद वहाँ निकलना चाहिए, लेकिन भरा नहीं है, मैं दूसरे पोस्ट पर काम कर रहा हूँ वहाँ बस। अच्छा हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी या मोदी कौन बेस्ट? नहीं उसमें नहीं बोल पाएंगे अब। फिर भी आपकी एक पार्टी के हिसाब से बता दीजिए। नहीं पार्टी के हिसाब से भी ठीक मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, यानी कि जो लोग हैं, लोगों के बीच में जो परसेप्शन बना हुआ है वो पीएम मोदी को लेकर बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो जनता है, आप देखिए इस भीड़ को, ये भीड़ ये बता रही है कि जो लोग हैं वो परेशान हैं रेलवे स्टेशनों पर, और इसकी परेशानी की वजह है कि सरकारों का सही तरीके से काम ना कर पाना, देर से रेलवे स्टेशनों पर चलना। आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे, बता दीजिए। बोलना चाह रहा था जब भी कुछ मैंने पहले जो कनाडा में इंडियंस लोगों के साथ में जो किया गया, पहली बार किसी ने दबंगई से अगर जवाब दिया ना वो मोदी जी हैं, कि अगर कनाडा हमारे साथ में ऐसा करेगा तो हम भी कैनेडियंस को यहाँ पर वो करने के लिए नहीं देंगे, इमिग्रेट करने दे देंगे वो या वॉट एवर, नहीं तो कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो वो क्या करती, दब के, नहीं 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 ज़्यादा पावरफुल है दब करके, अपने आप का पावर जब तक हम दिखाएंगे तब तक होएगा कैसे, यानी कि देश का पावर मोदी दिखा रहे हैं। जी हाँ, मोदी के रहने से ही दिख पा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन में आते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन का मतलब, और कुछ भी बोलिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वैसे ही इंडिया नंबर वन है, अमेरिका हो चाहे कनाडा, उनसे तो ज़्यादा यहाँ पर ही है, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा है, और जैसे कुछ भी बोलिए बट हाँ मैं उतना डेप्थ में तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन भी है इसके लिए जी, बट हाँ पहली बार अगर किसी ने दबंगई से अगर जवाब दिया है किसी डेवलप्ड कंट्री को, दैट इज दिस गवर्नमेंट, पहली बार इंडिया में किसी ने, तो डेफिनेट से बात है लोग तो उस साइड जाएंगे जाएंगे ना, अब तक के कोई दूसरी गवर्नमेंट रहती थी हाँ जोड़ के, नहीं नहीं ठीक है आप जो बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है इंडियंस के साथ में आप वहाँ पर जो भी कर रहे हैं हम आपके साथ में वैसा नहीं करेंगे, तो पहले से हो ही रहा था, ये तो पहली बार, अब तो जवाब देना चालू हुआ है। मोदी जी जवाब देने में माहिर है, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भाटापारा जा रहा हूँ भाई। देने में वो एक्शन भी लेते हैं, एक्शन भी लेने में माहिर है, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? भाटापारा। तो रेलवे वगैरह सब कुछ सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल सब सही चल रहा है भाई। मोदी गवर्नमेंट भी सही चल रही है? हाँ अपनी गवर्नमेंट है मान के चलो। अच्छा और राहुल गांधी? भाई आई डोंट लाइक इट। क्यों सर ऐसा क्यों? नहीं अब मैं ऑलरेडी हम लोग मतलब राष्ट्रवादी लोग हैं, वो राष्ट्रवादी कभी उनके उनका पक्ष नहीं ले सकते। अच्छा लेकिन ऐसा क्यों? वो भी तो आजकल मंदिरों पे जा रहे हैं, साफा आदमी विदेश में जाके देश की बुराई करेगा तो ऐसे आदमी का पसंद करेंगे? यू लाइक इट? लेकिन मंदिर भी तो जा रहे हैं। अरे मंदिर तो कोई भी चले जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने में और आगे भी आ जाइए। हाँ मंदिर जाने में और मतलब सम्मान करने में फर्क तो है। ठीक बात भाई, ठीक है। लेकिन अगर रेलवे की बात कर ले, आप लाइन पर लगे हुए हैं, रेलवे का सिस्टम ठीक चल रहा है क्या? भाई देखो इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, क्राउड है, कहीं ना तो आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टिकट मिल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही बहुत है। और ट्रेनें सही टाइम पर चल रही हैं? भाई अब जो भी उसको मतलब पटरी से उतरी है ट्रेनें कोरोना के बाद से, उसे वापस पटरी में आने के लिए मोदी जी बहुत कुछ हद तक, अनिल बैजनौर जी बहुत कुछ हद तक कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? हाँ कोशिश तो कर रहे हैं भाई। चलिए कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कितनी कोशिश कर रही है ये भी कुछ वक्त के बाद में ही शायद पता चल पाए। लेकिन फिलहाल जो यात्री हैं उनका कहना यही है कि बेहतर अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर पसंद मोदी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित कुशवाहा।